हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्रीराम पब्लिक स्कूल. माई सेल्फ प्रगति पांडे. डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोशन ऑफ अर्थ. इन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, हाउ द डे एंड नाइट हैपेंस एंड हाउ द ईयर गोज. दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. टूडे वी आर गोइंग टू सी द अदर कंसेप्ट्स ऑफ द मोशन ऑफ अर्थ. So let us start with the content reading and the explanation. This was our chapter and we have discussed all these things. Now, what would happen if the earth did not rotate? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी रोटेट ना करे, मूव ना करे अपनी एक्सिस पे और अपनी ऑर्बिट पे, तो क्या होगा? The portion of earth facing the sun would always experience the day. कह रहा है कि अगर रोटेशन अर्थ ना करे तो जो अर्थ का जो भाग सूरज की रोशनी के सामने पड़ेगा वहाँ हमेशा ही दिन रहेगा, और जो पोर्शन जिस पे सन रेज नहीं पड़ेंगी वहाँ पर हमेशा ही रात रहेगी. ठीक है. Thus bringing continuous warmth to the region, the other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme condition. कह रहा है कि अगर रोटेशन नहीं होगा तो जो भाग सन के सामने पड़ेगा वहाँ पे तो अत्यधिक गर्मी होगी, बहुत ही ज़्यादा हीट होगी, और जिसके वजह से जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा. पेड़ों के लिए भी सनलाइट ज़रूरी है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं. इंसान के लिए सनलाइट ज़रूरी है बट इतनी भी ज़्यादा नहीं. ठीक है. उसी तरह से जो भाग पृथ्वी का जहाँ पे सनरेज नहीं पहुँच पाएंगी, जैसे कि ये है हमारा अर्थ, यहाँ है हमारा सन, सन की रेज पड़ रही हैं, यहाँ सब पड़ी और इस भाग पे सनरेज नहीं पड़ रही थी. तो जिस भाग पे सन की रेज नहीं पड़ रही हैं, इधर वाला, यहाँ पे क्या होगा, अत्यधिक ठंडा मौसम रहेगा, अत्यधिक कोल्ड रहेगा और डार्कनेस रहेगा, जिसके वजह से ये एरिया हमेशा के लिए कोल्डनेस से और फ्रीजिंग से घिरा रहेगा, जिसके वजह से जीवन यहाँ भी मुश्किल रहेगा. ठीक है. इसलिए पृथ्वी का अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर मूव करना, रोटेट करना भी आवश्यक है. द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ऑन इट्स ऑर्बिट. पृथ्वी का एक मोशन तो था रोटेशन, जो वो अपनी ही जगह पर करती थी. मतलब पृथ्वी क्या करती थी, अपनी ही जगह पर इस तरह से रोटेट करती रहती थी. लेकिन एक जो दूसरा टाइप ऑफ मोशन है, दैट इज़ रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन मतलब किसी एक चीज़ के चारों तरफ घूमना. तो पृथ्वी क्या करती है, सन के चारों तरफ, ये सन है, पृथ्वी क्या करती है, यहाँ है मान लो, तो मूव करते करते यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वापस अपनी जगह पे. तो पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है. इस तरह के मोशन को रिवोल्यूशन कहा जाता है. इट टेक्स 365.5 days, 365 और आधा दिन, 1/4 मतलब 24 घंटे का 1/4 यानी कि 6 घंटा, 365 दिन प्लस 6 घंटा पृथ्वी लेती है एक रिवोल्यूशन करने में. मतलब अगर पृथ्वी यहाँ पर है इस जगह पर, तो दोबारा पूरा चक्कर काट करके दोबारा यहाँ पर आने में कितना टाइम लेती है, 365 दिन 6 घंटे. ठीक है. वी कंसीडर अ ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली. हम क्या करते हैं, हम पृथ्वी की जो रिवॉल्यूशन करने का जो टाइम है उसको 365 दिन ही कंक्लूड करते हैं, और 6 घंटे जो एक्स्ट्रा लेती है वो हर 4 साल पे लीप ईयर में एक दिन कंक्लूड करते हैं. जैसे कि सपोज़ पहले साल वो 365 दिन चली, दूसरे साल 365 दिन चली, तीसरे साल 365 दिन चली, तो 6 घंटा इसका भी बढ़ा हुआ है, इसका 6 घंटा इसका भी बढ़ा है, 6 घंटे इसके भी बढ़े हैं. अगला 365 जब होगा तो इसका भी 6 घंटा ऐड होगा, चौथे वाले का भी 6 घंटा ऐड होगा. तो इधर का 6, इधर का भी 6,
इसका भी 6 और इसका भी 6, 6 4 24, 24 आवर्स हो रहे हैं। तो जो चौथा साल होता है उसको हम कहते हैं 365 + 1 more, 24 घंटा एक और। तो जो चौथा साल उसको हम 366 दिन का मानते हैं और वो लीप ईयर होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। तो ये था रिवॉल्यूशन के बारे में, आप देख रहे हैं क्या होता है। अब इस जो ये जो डायग्राम है इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आप देख रहे हैं ये है सन, ठीक है। अभी पृथ्वी सपोज यहाँ से मूव कर रही है और इस समय आप देख रहे हैं पृथ्वी का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है। इस कंडीशन में सन जब यहाँ है और पृथ्वी यहाँ पर है, क्या होता है, नॉर्थ का जो रीजन होता है वहाँ पर विंटर एक्सपीरियंस किया जाता है, ठंडी एक्सपीरियंस होती है। वहीं पर जो समर होता है वहाँ पर, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। कैसे, सूरज की रेज आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा पड़ रही है, नीला वाला जो पोर्शन है, वहीं पर अगर आप नॉर्थन रीजन को देखेंगे तो वो डार्क दिख रहा है, यानी सनरेज वहाँ कुछ हद तक कम जा रही हैं। तो जहाँ सनरेज ज़्यादा जाएंगी वहाँ ऑब्वियस सी बात है गर्माहट बनी रहेगी, ठीक है। नाउ यहीं पर लिखा हुआ है विंटर सॉलिसिट 22 दिसंबर, ये दिन जो होता है ये पूरे साल में सबसे छोटा दिन होता है और ठंडी के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे सर्द दिन माना जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ से, सपोज पृथ्वी अभी यहाँ पे आई है तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ये ऑटम मौसम जो होता है ऑटम का होता है। यहाँ इक्विनॉक्स मतलब दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च को, ठीक है। ये रीजन जो है ये ऑटम का है, ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी ही होती है। फिर धीरे धीरे करके पृथ्वी मूव करते करते कुछ दिन बाद यहाँ आई। यहाँ क्या होता है, जो साउथ है साउथ में ठंडी एक्सपीरियंस की जा रही है क्योंकि सूरज की किरणें जो हैं वो डायरेक्टली नहीं पड़ रही हैं, वहीं पर नॉर्थ के रीजन में गर्मी हो जाती है। और यहाँ पर समर सॉलिसिट होता है 21 जून जो सबसे बड़ा दिन माना जाता है, सबसे बड़ा दिन होता है पूरे साल में 21 जून। फिर पृथ्वी घूमते घूमते अपने यहाँ पर आई, जो सितंबर का दिन होता है 23 सितंबर इक्विनॉक्स होता है, इस दिन भी दिन और रात बराबर होता है, ये स्प्रिंग सीजन होता है मतलब बसंत का टाइम होता है, ठीक है। और इस तरह से सीज़न चेंज होते हैं, यहाँ पे क्या था विंटर चल रहा था, यहाँ ऑटम आ गया, यहाँ पे गर्मी थी और यहाँ पे बसंत ऋतु हो गई, ठीक है। तो जो क्लाइमेट का चेंज और जो मौसम का चेंज आता है वो इस वजह से आता है, किसके वजह से, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के वजह से, ठीक है।